हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टीपीआर सोल और रबर सोल की, है ना। रबर सोल और टीपीआर सोल में क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या सिमिलरिटीज है उसमें, है ना। हालांकि मैं आपको बता दूं कि दोनों दिखते एक जैसे ही है ना, और बहुत कम लोग उसको जो डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे दोनों को, है ना, क्योंकि दोनों का जो है अपीयरेंस भी सेम होता है, कुछ प्रॉपर्टीज थोड़ी थोड़ी सेम होती है दोनों में, अपने टीपीआर सोल और रबर सोल में, ठीक है। अच्छा, मैंने जो भी अभी तक वीडियो बनाई है उसमें रबर सोल का जो है मैंने जिक्र किया नहीं है, है ना, तो इसके लिए भी मुझे एक जो ये वीडियो बनानी थी रबर सोल की, ठीक है। तो आज जो है हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में, है ना, क्या क्या चीजें होती है दोनों में, डिफरेंस क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको सोल बता देता हूँ। जो टीपीआर सोल और रबर सोल होते हैं दोनों में, दोनों दिखते कैसे, ठीक है। तो ये मेरे हाथ में दो सोल है, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है, ठीक है, और ये इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, देखो मैं हिला के बताता हूँ, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं ये जो है रबर सोल है, ठीक है, और ये टीपीआर सोल है, ठीक है। हालांकि देखो ये भी मिक्सचर वही है, रबर का मिक्सचर है, लेकिन मिक्सचर इसके साथ में प्लास्टिक है, ठीक है। जैसे टीपीआर मैंने बताया थर्मोप्लास्टिक जो रबर आता है, तो इसमें जो प्लास्टिक का मिक्सचर इसमें होता है, है ना, रबर के साथ में, ये जो होता है पूरा नेचुरल रबर होता है, नेचुरल रबर, इसमें प्लास्टिक मिक्स नहीं होता है, ये जो पेड़ों से जो रबर एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। हम लोगों ने कई बार ऐसा सुना होगा कि भाई जो रबर होता है वो किसी पेड़ से जो एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है, धीरे धीरे करके उसको निकालते हैं, उनकी एक अलग प्रोसेस है, रबर के जो कुछ पेड़ आते हैं वो अलग आते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीज है। इसके बाद जैसे फर्स्ट जो है अपना ये डिफरेंस तो ये हो गया कि ये पूरा नेचुरल जो मटेरियल है, और ये थोड़ा मैनमेड है ना, कुछ रेजिन और कुछ जो दाने आते हैं इसके अलग बनने के, तो ये दो चीज़ अलग अलग है, ठीक है। दूसरा जो हम बात करें जैसे इसकी, तो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है ना, फ्लेक्सिबिलिटी आप देख सकते हैं, ठीक है, मैं यूँ करके बता देता हूँ, देखो टीपीआर में और इसमें क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। ये टीपीआर है थोड़ा सा इसके मुकाबले हार्ड रहता है ना, रबर सोल के मुकाबले टीपीआर सोल थोड़ा हार्ड आएगा। देखिए जैसे मैं इसको अगर बेंड करने की कोशिश करता हूँ, मोड़ने की कोशिश करता हूँ, तो ये उतना कंपैरेटिवली नहीं मुड़ेगा जितना कि ये रबर सोल मुड़ता है, ठीक है। ये देखिए ये रबर सोल है, और ये मैं इसको पूरा स्क्वीज कर देता हूँ, पूरा निचोड़ देता हूँ, ठीक है, ये वापस अपने फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ये डिफरेंस है टीपीआर में और रबर में, ठीक है। दूसरा इसके बाद हम चलते हैं, देखो इसका जो टच होता है वो बहुत स्मूथ होता है, किसका, रबर का, ठीक है। तो रबर में हम जब इसको टच करेंगे या नाखून से प्रेस करेंगे, कई बार मैंने इसके पहले भी जो ये चीज़ करी थी कि नाखून से जब प्रेस करते हैं तो रबर ही सॉफ्ट एक फील होता है, ठीक है। जब हम जैसे ये मैंने प्रेस किया है, मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं प्रेस करता हूँ, अगर मैं यूँ भी प्रेस करता हूँ तो एक सॉफ्टनेस अलग ही फील होती है, ठीक है, जब हम टच करते हैं। तो ये टीपीआर है, थोड़ा सा इसको जो है हार्डनेस आती है, हल्की सी हार्डनेस आती है, लेकिन मटेरियल दोनों सेम है ना, इसमें कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं है दो ही में, ठीक है। तो सब चीज़ें सेम ही आती है, टीपीआर और इसमें डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है एक कॉमन व्यक्ति के लिए, ठीक है। इसके बाद में जैसे रबर सोल जो होता है ना, अगर रबर सोल देखें तो थोड़ा सा ग्लॉसी टीपीआर से ज़्यादा होता है ना, इसकी जो ग्लॉसीनेस है वो टीपीआर से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, टीपीआर थोड़ा सा कंपेरेटिवली लेस जो होता है, थोड़ा मैट फिनिश पे होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका जो है, इसके बाद चले हम तो ग्राउंड ट्रैक्शन, तो रबर जो होता है, रबर का ग्राउंड ट्रैक्शन बहुत अच्छा होता है, है ना, टीपीआर के मुकाबले, क्योंकि टीपीआर देखो, टीपीआर में थोड़ा सा जो प्रॉपर्टीज थोड़ी प्लास्टिक की भी रहती है, ठीक है, और ये जो होता है पूरा रबर जो नेचुरल होता है, तो इसका ग्राउंड ट्रैक्शन बहुत बढ़िया होता है, ठीक है, ग्राउंड की जो पकड़ रहती है इसकी रबर की, ठीक है, अगर रबर सोल ग्रिप वाला है तो फिर बहुत बढ़िया इसकी जो है ग्राउंड की पकड़ होती, ठीक है। इसके बाद जैसे स्मेल करता है, ठीक है, तो रबर सोल जो है, रबर सोल जो है प्योर रबर होते हैं, तो ये अच्छा इसकी लेकिन स्मेल जो है थोड़ी प्लास्टिक वाली रहेगी, है ना, आप जब स्मेल करेंगे रबर सोल को तो उसकी जो स्मेल होगी थोड़ी सी प्लास्टिक वाली, जो है मिक्सचर जैसा प्लास्टिक मिक्स होगा, है ना। हालांकि इसमें प्लास्टिक मिक्स नहीं होता, इसकी मोल्डिंग होती है जैसी इसकी भी मोल्डिंग होती है टीपीआर की, लेकिन टीपीआर में प्लास्टिक की आपको स्मेल नहीं आएगी, है ना, जब आप स्मेल करेंगे तो प्लास्टिक फ्री रहेगा बिल्कुल भी, ठीक है। ये एक डिफरेंस हो गया, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी मैंने बात करी, अल्ट्रा फ्लेक्सिबल है, ठीक है, रबर सोल बहुत अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी होती है टीपीआर के मुकाबले, ठीक है। इसके बाद
अच्छा दूसरा ये एक इसका अपन माइनस पॉइंट समझ ले रबर का, है ना, कि अगर मान के चले अगर अपन रास्ते में कहीं चल रहे हैं या फिर कहीं जंगली इलाके में गए हैं, है ना, जहाँ जंगल है, पेड़ पेड़ वगैरह है, वहां पे देखा कांटे वगैरह हो रहते हैं, रबर सोल कांटे मतलब जो है कांटों को जो है रिजिस्ट नहीं कर पाता, मतलब कांटों से बचा नहीं पाता रबर सोल, क्योंकि सॉफ्ट होता है और सॉफ्ट होने के कारण जो है अगर कोई कांटा है तो कांटा इजीली जो है रबर सोल में पियर्स कर जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा, है ना, अंदर घुस जाएगा, ठीक है। टीबीआर थोड़ा इसके मुकाबले हार्ड रहता है, ठीक है, अगर हार्डनेस की है तो हार्ड की वजह से जो है कांटा अंदर जाने में जो है प्रॉब्लम आती है ना, कांटा इजीली या फिर कोई पत्थर कंकर जो कील वगैरह है वो जाने में जो है थोड़ा सा इसको जो है समय लेगा टीपीआर को, ये भी एक डिफरेंस है, ठीक है। और दूसरा जो है वाटरप्रूफ दो ही है ना, दोनों वाटरप्रूफ है, ऐसी कोई पानी से दोनों को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा ये जो है स्लिपरी कम है, कौन सा टिप, ये रबर सोल थोड़ा कम स्लिपरी है, ठीक है, अगर हम चलते हैं, ठीक है, कोई सी ऐसी जगह कई बार जो है टाइल्स आती है ना, टाइल्स पे चलना रहता है, तो रबर सोल जो है वो ग्रिप उसकी काफ़ी अच्छी रहती है टीपीआर के मुकाबले, है ना, दोनों में टीपीआर की थोड़ी सी लेस होती है ना ग्रिप, लेकिन ग्रिप इसकी भी अच्छी होती है, टीपीआर की ऐसा कुछ मतलब वो नहीं है, है ना, अगर ये 99 है तो ये 100 है, बस इतना डिफरेंस होगा, 1% 2% का डिफरेंस होता है दोनों में, कोई ज़्यादा अंदर नहीं आता, ठीक है। अच्छा कॉस्ट की मैं बात करूँ तो रबर सोल जो है काफ़ी कॉस्टली है, ठीक है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें रहती है, नेचुरल जो मटेरियल जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसकी कॉस्ट वैसे भी हाई रहती है, ठीक है, और ये जो है मैनमेड चीज़ें हैं तो हो सकता है दोनों में कंपैरिजन जो होता है तो अगर प्राइस की बात करूँ, अच्छा बहुत सारी ऐसी जो डिज़ाइंस वगैरह भी रहती है जिसमें जो है कुछ चीज़ों में टीपीआर थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा रहती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम टीपीआर जो थोड़ा सा इसके मुकाबले कम कॉस्ट का रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस दोनों है, ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंट है, ठीक है, दोनों में जो है डिफरेंस मैंने काफ़ी आपको जो है डीपली बता दिए, है ना, और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहती है ना, कई बार जो है सबसे ज़्यादा देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम ऑनलाइन खरीदते हैं ना, ऑनलाइन जब खरीदते हैं तो ये सब चीज़ें सामने आती है, उसमें जब डिटेल्स हम चेक करते हैं कि रबर सोल है, टीपीआर सोल है, पीयू सोल है, ठीक है ना, क्योंकि फोटो जब देखते हैं ना, फोटो में दिखता सब चीज़ें एक जैसी दिखती, बिल्कुल हर चीज़ आपको जो एक जैसी पूरी सिमिलर दिखेगी, जब हम डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे ना उसमें सब चीज़ें तब क्लियर होती है ना, क्योंकि ऑनलाइन जब हम खरीदते हैं तो सामने तो वही चीज़ दिखती है ना, कि यार ये बहुत बढ़िया फोटो है, बहुत अच्छी चीज़ है, ये देख ये ले लेनी चाहिए, है ना, क्योंकि सब फोटो का फोटोग्राफी का कमाल है, ऑनलाइन के इस पर कभी भी जो है दिखावे पर ना जाए, डिस्क्रिप्शन चेक करें, डिटेल्स चेक करें, डिटेल्स में क्या चीज़ दी हुई है, प्रोडक्ट चेक करें, अपर मटेरियल क्या है क्या नहीं है, लाइनिंग कैसी है, ठीक है, सोल का मटेरियल कौन सा है, ठीक है, ये सब चीज़ जब भी ऑनलाइन जब भी परचेजिंग करें सारी डिटेल उसमें चेक करें, ठीक है, तो अपने जो है बेवजह के पैसे या फिर अपने ठगाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, है ना, कई बार अब ऑनलाइन जो चीज़ें हैं प्रोडक्ट हम जब लेते हैं तो उसमें यही चीज़ होने लगती है आजकल, है ना, बहुत सारी है, इसके लिए भी एक वीडियो अलग से मैं बनाऊँगा आपके लिए, है ना, सभी लोगों के लिए, तो ये वीडियो अभी तक इतनी ही, है ना, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी, ठीक है, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन फुटवेयर्स के लिए, लेदर के लिए, एसेसरीज के लिए, बेल्ट्स के लिए, वॉलेट्स के लिए, अच्छी अच्छी मैं देता रहूँगा, ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।